जिंदाबाद। दिक्कतें ये हैं कि 800 रुपया ये मांग रहे हैं पर डे का। 800 रुपया हम सरकार से ये कहना चाह रहे हैं कि 800 रुपया हमको दे दे, गाड़ियां आप ही ले लो पर डे, हम नहीं दे पाएंगे। तो किस तरह की आगे की तैयारी होगी, अब किस तरह का कदम होगा? गाड़ियां खड़ी कर दी हैं, ये अपना चलाएं और ये जो मर्जी करें, हम तो चला नहीं रहे। हम तो अपनी सारी गाड़ियाँ जहाँ से यहीं पर हैंड ओवर कर देंगे। कितनी गाड़ियाँ? 50 गाड़ियाँ हैं, क्योंकि हमारा वारा नहीं खा रहा साहब। हमारा अभी तो लॉकडाउन से तो उठे नहीं, और आज स्थिति ये बना दी कि इतनी गरीबी बहन जो अब ये कह रहे हैं जी 800 रुपया रोज दो, 800 रुपये हम ये कह रहे हैं आप हमें दे दो, गाड़ियाँ आप ले लो। ये तो परमानेंट हो गया सर, ये तो परमानेंट कर दिया, यहीं खड़ी रहेंगी अब ये। आप लोग देख रहे हैं कि अभी हमारी गाड़ियाँ कुछ 8 महीने में लगभग लॉकडाउन की वजह से खड़ी रही, और लॉकडाउन से अभी तक हमारी गाड़ियाँ जैसे अभी चली है तो हमें पूर्ण सवारी नहीं मिल रही है, और उसे देखते हुए हमें हमारी गाड़ियों को पूरा लॉस हो रहा है। और प्लस हमारी गाड़ियों के आगे एक सबसे बड़ी आप देख रहे हैं टोल बैरियर लग चुका है, और जिसका पर डे का हमें 810 रुपये पड़ता है। हमारा यूनियन के द्वारा आरटीओ को, एनएच अधिकारी को, मुख्यमंत्री के जो ओएटी है उनको दिया गया था, लेकिन अभी कोई मामला ऐसा सुलझा नहीं है जो हमें कुछ थोड़ा सा मदद मिली हो। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? हम ये चाहते हैं कि हमारी गाड़ियाँ जो चल रही है टैक्स माफ हो, टोल प्लाजा माफ हो, और हम गाड़ी चलाएं। नहीं तो ये गाड़ियाँ जैसे आज खड़ी है ऐसी ही खड़ी रहेगी, और हम हड़ताल पर रहेंगे।